तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से 47 लोगों की मौत हो गई। 20 जून के ही दिन सभी मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि देश में जहरीली शराब कोई नया मुद्दा नहीं है, अब तक कई ऐसे जहरीली शराब से जुड़े हादसे हो चुके हैं जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हुई। लेकिन बात यह भी है कि भारत में करोड़ों लोग शराब पीते हैं, तो जहरीली शराब में ऐसा क्या होता है जिसे पीने के बाद लोग मर ही जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि शराब माफिया मोटी कमाई और लोगों की कम जागरूकता का फायदा उठाते हैं और ऐसी शराब बनाते हैं। जहरीली शराब का बिजनेस ही ऐसा है कि नकली शराब बनती हर जगह है और धड़ल्ले से बिकती भी है, लेकिन वो जहरीली तभी कही जाती है जब लोगों की जान चली जाती है, यानी जहरीली शराब का पता लगाना बेहद मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं कि नकली या जहरीली शराब का पूरा खेल क्या है, कैसे ये बनती है और ये कैसे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 Digital। सबसे पहले बात तमिलनाडु के कल्लाकुरिची की। दरअसल यहाँ 18 जून को दिहाड़ी मजदूर या फिर लोडर का काम करने वाले लोगों ने पैकेट्स या फिर सैशे में शराब खरीदी और ये शक था कि शराब जहरीली थी। इन लोगों ने जब शराब का सेवन किया तब इनके पेट में दर्द, सांस लेने में दिक्कत हुई, धुंधला नजर आने लगा और डायरिया की भी शिकायत होने लगी। बीते कुछ ही सालों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और कई देश के राज्यों में लोग जहरीली शराब की वजह से ही जान गंवा चुके हैं और तमिलनाडु में भी ऐसा ही हुआ। गुजरात और बिहार जैसी स्टेट्स में तो शराबबंदी लागू है और एक कारण ये भी है कि इन इलाकों में अवैध शराब का कारोबार ज्यादा फलता फूलता नजर आ रहा है। ज्यादातर लोग देसी शराब यानी कि कंट्री लिकर को ही अवैध शराब मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कानूनी तरीके से देसी शराब बनाने के लिए सरकार बकायदा लाइसेंस देती है जिसे देसी शराब के ठेकों पर बेचा जाता है। वहीं जो शराब जहरीली हो जाती है उसे अवैध तरीके से बनाया जाता है। आसान भाषा में इसे कच्ची शराब भी कहते हैं। इसे उन इलाकों में चोरी छुपे बेचा जाता है जहाँ मजदूरी करने वाले या फिर छोटा मोटा काम करने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि ये देसी शराब के मुकाबले सस्ती पड़ती है, इसलिए कम पैसा कमाने वाले लोग इसका सेवन करते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। अब हम हूच के बारे में जान लेते हैं जिसकी वजह से तमिलनाडु में इतनी मौतें हुई हैं। हूच खराब क्वालिटी की अल्कोहल को कहा जाता है। हूच आम तौर पर खराब गुणवत्ता वाली शराब के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है जो अलास्का की मूल जनजाति हुचिनो से लिया गया है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग लिकर या फिर शराब बनाने के लिए जानी जाती थी। ब्रांडेड अल्कोहल कारखानों में बनाया जाता है, लेकिन हूच बिना किसी जांच परख के बनाई जाती है। जो कुछ भी मायने रखता है वो ये है कि ऐसा अल्कोहल बनाना जो नशा करवाए, और जहरीली शराब निश्चित रूप से ऐसा ही करती है। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर इसे गलत तरीके से तैयार किया जाए तो ये जान लेती है। अब अल्कोहल कैसे बनता है और हूच कैसे बनती है वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले अल्कोहल की बात करें तो ये दो प्रोसेस के जरिए बनती है, फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन। फर्मेंटेशन में दो ही चीजें अहम है, यीस्ट और चीनी। अब होता यूं है कि यीस्ट को चीनी के साथ सड़ाया जाता है। ये चीनी गन्ने के रस से, फल से ली जाती है और इससे एक मिक्सचर बनता है जिसे अल्कोहल कहा जाता है। इस मिश्रण में अल्कोहल को बाकी चीजों से अलग किया जाता है जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं। इसमें एक खास तापमान में अल्कोहल के अलावा बाकी चीजें भाप बनकर उड़ जाती है। इससे शराब में सिर्फ एथाइल अल्कोहल मिलाई जा सकती है जो जानलेवा नहीं होती है। कच्ची या नकली या फिर जिसे जहरीली शराब कहा जाता है उसका कोई मानक तापमान नहीं होता और ना ही इसे बनाते वक्त किसी भी नियम का पालन किया जाता है। इसे बनाने के लिए मुख्य रूप से गुड़, पानी और यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कई तरह के खतरनाक केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। कच्ची शराब बनाने के लिए गुड़ को सड़ाने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा इसमें और ज्यादा नशा पैदा करने के लिए नौसादर और यूरिया भी मिलाया जाता है। ये सभी चीजें किसी भी व्यक्ति के लिए नुकसानदेह है। यूरिया, ऑक्सीटॉक्सिन, गुड़ और पानी को मिलाकर जब सड़ाया जाता है तो इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। मिथाइल अल्कोहल बनने की वजह से शराब बनाने की प्रक्रिया के दौरान तापमान का ध्यान ना रखना भी है। इसी मिथाइल अल्कोहल की वजह से शराब जहरीली हो जाती है और सीधे दिमाग और आंखों को नुकसान पहुंचाती है। इसकी मात्रा ज्यादा होने पर इंसान की मौत भी हो जाती है। दरअसल ये जब इंसान के लीवर के अंदर जाता है तो वहां ये फॉर्मलडिहाइड बन जाता है जो कि एक तरह का जहर होता है। ऐसे में कई बार नकली शराब पीने के बाद इंसान का बचना मुश्किल ही होता है। लेकिन तमिलनाडु में हुई इस घटना पर कल्लाकुरिची के लोगों का कहना यह है कि वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और दिन भर काम करते हैं। अपने थकावट और बदन के दर्द को दूर करने के लिए ये लोग अवैध शराब का सहारा लेते हैं, क्योंकि सरकारी रिटेल वाली कंपनी में इसके दाम कई ज्यादा है। यही वजह है कि वहां अवैध शराब की बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ रही है। और ताज्जुब वाली बात यह है कि इसका इलाज भी शराब है जो कि एथेनॉल है।
इसके अलावा फॉर्मिपिजोल दवा भी इसके लिए कारगर है। मेथनॉल के जहर का इलाज एथेनॉल है और जहरीली शराब के एंटीडोट के तौर पर टैबलेट भी मिलते हैं, लेकिन भारत में इसकी उपलब्धता काफ़ी कम है। जहरीली शराब पीने वाले व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाने की ज़रूरत होती है और इसके बाद जहर को निकालने के लिए मरीज का डायलिसिस भी करना पड़ सकता है। मरीज का सिर्फ सपोर्टिव इलाज ही होता है, जैसे ऑक्सीटॉक्सिन को ठीक करना और मिथाइल अल्कोहल के लिए एंटीडोट देना। कई बार मरीज के पेट की धुलाई, जिसे स्टमक वॉश भी कहते हैं, वो भी मददगार हो सकता है, लेकिन यदि उसे भर्ती कराने में देर हो जाती है तो इसका कोई फायदा नहीं है। हालांकि अक्सर पुलिस या आबकारी विभाग के लोग नदी या तालाब के किनारे ऐसी ही शराब की भट्टियों को पकड़ते भी हैं और तोड़ते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद शराब के तस्कर नया ठिकाना ढूंढते हैं और वहीं पर बंद हुआ कारोबार किसी दूसरी जगह से शुरू हो जाता है। ऐसे मामलों में जागरूकता बेहद जरूरी है। वैसे तो शराब पीना ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर कोई शराब पीता है तो उसके लिए भी सरकार की ओर से चेतावनी जारी की जाती है कि अधिकृत दुकानों से ही शराब खरीदें। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।